जय जगन्नाथ साथी, आप सबको स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी सुबह का 8:30 बज चुका है और मैं उठा था 6 बजे और एडिटिंग ख़त्म हो चुका है और यहाँ से मेरे इस होटल से मेरे को निकलना पड़ेगा आज, क्योंकि मैं और कहीं जा रहा हूँ घूमने। तो चलते हैं फिर, आगे देखते हैं कहाँ कहाँ जाता हूँ मैं घूमने के लिए। इस होटल में रहकर बहुत अच्छा लगा, रूम भी बहुत अच्छा था और सबसे अच्छे थे हमारे प्रभु प्रभु जगन्नाथ। अब रूम से निकल के आ चुके हैं, अभी जरा बस स्टैंड में है, यहाँ से बस पकड़ते हैं और प्रभु राम जी से को दर्शन करते हैं। हमारे प्रभु है राम लाला। अब हम आकर पहुँच चुके हैं प्रभु श्री राम जी से दर्शन करने और आप लोग आगे देखेंगे। ये मंदिर का बाहर का ये जो व्यू है दोनों साइड, ये है मंदिर का एंट्री का गेट। राम लाला का मंदिर है भाई, हमारे प्रभु जी। जय श्री राम। ये देख सकते हैं जटायु के ऊपर बैठे हुए हैं हनुमान जी। ये बहुत माँ दुर्गा का मंदिर है और ये माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है और आगे माँ सरला जी का मंदिर है और आगे फिर आप लोग देखेंगे कि शिव जी का। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया। ये रहे हमारे गणपति बाबा, गणपति बाबा मोरिया। और आगे रहेंगे आप लोग देखेंगे, आगे शिव जी का मंदिर है। ये रहे हमारे प्रभु शिव जी और आगे साईं बाबा का मंदिर है, आप लोग देखेंगे। ये रहे हमारे साईं बाबा जी। अब प्रभु जी का दर्शन हो चुका है और इस मंदिर, ये देख रहे हैं आप लोग मंदिर, मंदिर के अंदर हमारे प्रभु और आप सबका प्रभु श्री राम जी है और उनके साथ माता सीते भी हैं और लक्ष्मण जी भी है और उनका परम भक्त और अंजनी पुत्र हनुमान जी भी है और राधा कृष्ण जी भी है। तो दर्शन तो अच्छे तरह से हो गया और बहुत अच्छा लगा मंदिर आकर, बहुत अच्छा फील हुआ। और रहा इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं और 10:30 बज चुका है। तो फिर इसके बाद जाएंगे धौली, आप लोग को दिखाएंगे कैसे आगे जाकर पहुँचते हैं धौली। मंदिर से निकलते ही मैंने देखा जो चप्पल स्टैंड के जो ओनर है वो पक्षियों को दाना दे रहे हैं। ये रहा मेरा बैग, यहाँ चप्पल और जूता बैग ये सब रख सकते हैं आप। उसके बाद मैं निकल पड़ा धौली की तरफ, बस पकड़ लिया और बस पे चढ़ कर मैं धौली की तरफ निकल गया। वहाँ पहुँच के आप लोग को दिखाता हूँ। फिर धौली पहुँचते ही मेरे साथ एक बहुत अद्भुत चीज़ हुआ जो आप लोग आगे देखेंगे। ये जो इंसान को देख रहे हैं ये दही बड़ा बेचते हैं और बहुत गरीब लोग हैं। तो मैंने जब वहाँ गया खाने के लिए तो मैं खा चुका था, उसके बाद मैंने बोला कि एक वीडियो बना दे आपका दही बड़ा का। तो बनाते बनाते उन्होंने मेरे को बोला कि आप नेट में छोड़ोगे क्या? मैंने बोला हाँ, और बोला हाँ थोड़ा मदद कर लो, मेरा दुकान इतना सही चल नहीं रहा है और लोग भी इतना आते नहीं हैं। धौली के पास जितने भी लोग रह रहे हैं और जो भी लोग धौली जा रहे हैं घूमने के लिए, आप सबको हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि अब जब जाएं तो उनसे ज़रूर खाएं। वो बहुत गरीब लोग हैं, वो आपको पैसा नहीं मांग रहे हैं, वो आपको बस इतना ही चाह रहे हैं कि आप उनसे ख़रीद के खाएं, उनका दुकान थोड़ा चले, उनका बिजनेस थोड़ा बड़ा हो। और वो अच्छे भी बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा बना रहे हैं वो, तो बहुत अच्छे भी इंसान हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि जब कोई धौली जाए तो उनसे ज़रूर खाए और धौली के आसपास के जितने लोग हैं उनको सबको रिक्वेस्ट है प्लीज़ उनसे खाइए, वो बहुत अच्छे बनाते हैं।
अब बस से उतर चुके हैं और थोड़ा टिफिन भी कर लिए और अभी जा रहे हैं धौली मंदिर। तो हम अब रास्ते में हैं, तो वहां जाकर आप लोग को दिखाता हूं कैसा है क्या है। ये जो आप देख रहे हैं वो धौली का जो धौली में होता है लाइट शो एंड साउंड शो होता है, ये आप देख सकते हैं कब कब होता है कितने बजे होता है। अब आकर पहुँच चुके हैं मेन रोड जो धौली मंदिर को जाने के लिए है और बहुत क्लीन है, आप लोग ये देख सकते हैं कितना क्लीन है। और मेरे साथ एक भैया भी जा रहे थे, उनका एग्ज़ाम था और वो थोड़ा एग्ज़ाम 3 बजे था तो उससे पहले थोड़ा वो प्रभु जी का दर्शन करने में चले तो उनके साथ भी मैं भी चल पड़ा। तो चलते हैं फिर आगे दिखाता हूँ आप लोग। ये आप देख सकते हैं प्रभु जी का मूर्ति है यहाँ पर, इतना ज़्यादा पैदल चले ना, हालत पूरा टाइट भाई साहब, मैं तो थक चुका था पूरा और ये वो भैया भी थे वो थक चुके थे, फिर भी हमें जाना था क्योंकि मंदिर बहुत पास था। ये आकर पहुंच चुके हैं धौली मंदिर, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है रे। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। इस धौली मंदिर के पीछे एक कहानी है, जो कहानी है वो ख्रीष्टपूर्व 2061 के बाद है जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अभियान स्टार्ट किए थे। उनके बाद उनके पोते जो थे अशोक सम्राट वो उनके रास्ते को अनुसरण किए और जो सम्राट अशोक थे वो अपने राज्य को 50 वर्ग किलोमीटर में विस्तार किए थे, जो कि सारा भारत समेत एशिया का कुछ अंश लेकर वो गठन किए थे। उस टाइम कलिंग एक गणजात्य राज्य था। अशोक सम्राट भारत के अधिकांश अंचल विजय करने के बाद कलिंग के ऊपर आक्रमण करने के लिए वो सिद्धांत किए और उस टाइम कलिंग के जो सेना थे वो भी युद्ध करने के लिए निष्पत्ति लिए। तो युद्ध में उन जो कलिंग की सेना को सहाय करने के लिए सारे कलिंग की छोटे से लेकर बड़े तक सब ने उनको है मदद की। तो युद्ध जो हुआ बहुत भयंकर युद्ध हुआ, उसमें बहुत सारे कलिंग की जो सेनाएं थे उनके जान गए। और जो आप देख रहे हैं ये है दया निधि नदी, उसमें जो पानी है वो पूरा रक्त से लाल हो गया दयानिधि नदी। और सम्राट अशोक की विजय हुई, लेकिन उसके बाद जब सम्राट अशोक अपने राज अभिषेक के लिए निकले तब वो देखें कि छोटे छोटे बच्चे जो रक्त से लथपथ होके पड़े हुए हैं, जो बिना दोष किए हुए भी वो शास्ति पाए, तो वो देखकर उनका मन थोड़ा परिवर्तन हुआ और वो धर्म जो चंडाशोक थे और उसके बाद वो धर्मशोक में परिणत हुए, वो धर्म के रास्ते को अपनाए और वो सब जो विजयी करने के लिए जो राज्य पाने के लिए जो आशा था उनके मन में, जो हिंसा की मनभाव था उनके अंदर, वो सब वो दूर कर दिए और वो बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो ये था ये चंडाशोक से धर्मशोक बनने का ये स्टोरी। और आगे ये सब मूर्तियाँ आप सब देख सकते हैं और कैसा लगा आप लोग को ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। बाहर बहुत सारा मूर्तियाँ आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहा था बाहर, बहुत सारे दुकानें थे। तो ये देख सकते हैं बुद्ध जी का मूर्ति है, शिव जी का मूर्ति है, हनुमान जी का मूर्ति है, बहुत सारा मूर्तियाँ मिल रही थी और खाने के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहा था, ये सब आप देख सकते हैं।
जाने के टाइम तो मैं पैदल गया था, लेकिन आने के टाइम मैं पैदल नहीं जा सकता क्योंकि पैर में बहुत दर्द था, तो मैंने ऑटो पकड़ा और बोस्टन चल गया। फिर अब मैं धौली घूम चुका हूँ, अब मैं मेरे को बस पकड़ना पड़ेगा, बस से मैं कोणार्क को जाऊँगा। यहाँ से मेरे को 3 घंटा लग जाएगा बस में, तो आगे देखेंगे बस का जर्नी, आप लोग को दिखाते हैं कैसे जाकर कोणार्क पहुँचता हूँ। ये मैं बस पकड़ चुका हूँ और सीट तो नहीं मिला बैठने के लिए, मेरे को खड़े होना पड़ा, तो फिर चलते हैं आगे कैसे जाकर पहुँचते हैं आप लोगों को बताते हैं। अब आके पहुँच चुका हूँ कोणार्क और 3 घंटे बस में बैठना पड़ा, 2 घंटे तो खड़ा रहना पड़ा क्योंकि सीट नहीं मिला। जो भी हो आकर तो पहुँच चुके हैं, आगे आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है सूर्य मंदिर। ये रूम नहीं मिल रहा है रहने के लिए, आकर तो पहुंच चुका हूं और बहुत थक चुका हूं। ये पीछे एक बैग, आगे एक बैग, पूरी तरह से फंस चुका हूं और दोपहर का लंच भी नहीं किया हूं अब तक। देखते हैं अगर मिलता है रूम तो रह लेंगे, नहीं तो बाहर रहना पड़ेगा। इतने घूमने के बाद एक रूम मिल चुका है, ये रहा मेरा रूम। टीवी क्यों दिया है मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को टीवी नहीं देखना है, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत थक चुके हैं आज और पता नहीं चल रहा है मैं इतना थका हूँ, लेकिन बहुत थक चुका हूँ। फेस पे हंसी है लेकिन जो दर्द है मैं किसी को बता नहीं सकता कितना दर्द है मेरे अंदर। तो ये हंसी के पीछे जो दर्द है ना, सिर्फ मेरे को पता है कैसा फील हो रहा है। सुबह से एक बार खाया था और लंच भी अब तक नहीं किया हूँ, दिमाग मेरा सर मेरा घूर रहा है ऐसा ऐसा, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो भी है चलते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद सूर्य मंदिर देख कर आते हैं। अब तो मैं सोच रहा था थोड़ा रेस्ट लूँगा, लेकिन अभी बजाए 5:30, तो थोड़ा सूर्य मंदिर घूम के आते हैं वहाँ। उसके अंदर तो जो 6:30 बजे नाइट शो होता है, जिसके अंदर आप लोग को बताया जाएगा कि कोणार्क मंदिर का जो स्टोरी है, क्यों कोणार्क मंदिर बना, कैसे बना, क्या हुआ था। तो फिर चलते हैं, सोच रहा था रेस्ट लेने के लिए, लेकिन आप लोग को तो दिखाना है, दर्द को होने दो जितना हो रहा है, और जो दर्द दे रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं, और अगर वो मेरे को दर्द देखकर खुशी हो रहे हैं तो मैं भी उससे खुश हूँ कि वो मुझे दर्द दे रहे हैं, और जितना दे सकते हैं प्रभु दीजिए मेरे को दर्द, मैं उस चीज़ से खुश हूँ क्योंकि वो दर्द मुझे आप दे रहे हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, खरीदने के लिए। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से अंदर जाने के लिए आपको टिकट काटना पड़ेगा पहले। चलते हैं फिर टिकट काटते हैं, बाद में जाते हैं। अब मैं मंदिर नहीं गया क्योंकि कल सुबह मेरे को जाना है मंदिर, तो फिर अभी चलते हैं सी बीच चंद्रभागा, वहाँ के घूम के आते हैं, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए। ये देख सकते हैं मंदिर है, और चलते हैं, कल सुबह आते हैं अंदर, आप लोग को दिखाते हैं फिर क्या है अंदर, और इसका जो स्टोरी है मैं आप लोग को कल बताऊँगा।
आप लोग देखें मंदिर के अंदर हम नहीं गए क्योंकि कल सुबह जाना है, तो मंदिर से बाहर से आपको दिखा दिया। तो फिर अभी थोड़ा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद एडिटिंग भी करना है। और ये मैं रोटी और सब्जी ले आया था क्योंकि सुबह अच्छे से खाया नहीं था तो खा लिया। पूरी तरह से चाट दिया हूँ क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था, दोपहर में कुछ खाया नहीं था तो पूरा चाट दिया। खाना पीना हो चुका है भाई, तो फिर चलते हैं रूम को। रूम पहुंचने के बाद आपको बताते हैं। अब खा के आ चुका हूँ और तो फिर अभी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल सुबह मेरे को 4 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि सनराइज देखना है मुझे, तो तब एडिटिंग नहीं हो सकता। तो अभी एडिटिंग कर लेते हैं, अभी बजा है 8:30, एडिटिंग ख़त्म हो जाएगा 10 बजे तक, तो स्टार्ट कर लेते हैं एडिटिंग। तो फिर एडिटिंग स्टार्ट करते हैं इस फ़ोन से। और जब मैं एडिटिंग करता हूँ तो मैं ये फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, तो ये फ़ोन टूट चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी है ये मेरा पहला फ़ोन है और बहुत अच्छा भी फ़ोन है, बस ये टूट चुका है साइड से एक बार, चलता है अच्छा चलता है। अभी अभी एडिटिंग ख़त्म हो चुका है और अभी बजा है 10:30 और मेरे को 2 घंटा लग गया एडिटिंग ख़त्म करने के लिए। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नेक्स्ट ब्लॉग में। जय जगन्नाथ।